Hey guys, welcome to Motor Octane. आज हम आपके लिए लाए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी का वीडियो जिसके लिए आप काफी समय से रुके हुए हो। By the way, happy Independence Day to all our subscribers. और जो गाड़ी आप मुझे आज सुबह मांग रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिव्यू, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनली द ऑल न्यू महिंद्र थार। यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी का डिज़ाइन इज ऑल न्यू, एक नए प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। इट्स मेड ऑन द थर्ड जेन प्लेटफॉर्म महिंद्रा का, और ये डिज़ाइन जो है काफ़ी यूनिक है। अब अगर मैं फ्रंट से शुरू करूँ विथ स्पेसिफिकली द हेडलैम्प्स, आप नोटिस करोगे इसके हेडलैम्प जो है सर्क्यूलर, जैसे महिंद्रा थार या क्लासिक में आते थे हमेशा। और साथ में इसकी जो लाइट्स हैं वो अभी भी दे आर स्टिल द सेम लाइट्स, दे आर हैलोजन लैंप्स, और इसमें कुछ अंतर नहीं आया है। हाँ, यू विल सी अदर एलिमेंट्स लाइक डे टाइम रनिंग LEDs यहाँ पे दिए हैं आपको, विच लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेयर इट शुड बी अदरवाइज। और उसके साथ इंडिकेटर मर्ज है, और अंडरनीथ आप नोटिस करोगे तो इसको फॉग लैम्प दिया हुआ है। सो जब आप इसका फुल फ्रंट देखते हो, एक बार अच्छे से अगर इसका फ्रंट देख लोगे, आप नोटिस करोगे कि इसका डिज़ाइन इज क्वाइट सिमिलर टू द महिंद्रा फैमिली। जो इसका ओवरऑल स्टाइलिंग है उसका मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ये एलिमेंट जो है ना ऑफ लग रहा है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग, बट पॉसिबली इट विल ग्रो ऑन मी इज़ व्हाट आई फील। हाँ, ये प्लास्टिक है यहाँ पे, प्लास्टिक ओके। तो ये अभी प्लास्टिक बम्पर आ गया इस गाड़ी का, जो पहले नहीं आता था। अंडरनीथ आप नोटिस करोगे कि इसको यहाँ पे स्किड प्लेट आते, यहाँ पे आपके लिए स्पेस दिया हुआ है ताकि इसका अपर्चर एंगल अच्छा रहे। अब अगर मैं इसके टायर की तरफ जाऊँ, स्पेसिफिकली ये वर्जन, तो इसमें आपको दो टायर्स आते हैं, वन इज़ एन 18 inch, वन इज़ अ 16 inch। तो ये 18 inch वाला टायर है, एंड दीज आर डेफिनेटली, अगर आप नोटिस करोगे तो 255/65 आर 18 टायर्स। दीज कम विथ अलॉय व्हील्स एंड ऑफकोर्स फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एज वेल। और एक और एक एलिमेंट आप नोटिस करोगे कि जो ओवरऑल ये हंच जो यहाँ मिलता है इसको विद दिस ब्लैक एलिमेंट, वो एक रगिडनेस देता है। अब इसको क्लैम्पशेल हुड मिलता है, सो यू कैन नोटिस द लाइन टू बी हियर, वरना नॉर्मली SUVs को यहाँ पे बॉनेट लाइन आता है ओके। आपको ये यहाँ दिया हुआ है, एंड यू कैन ओपन दिस फ्रॉम दिस। तो जो ओल्ड स्कूल तरीका था एक बॉनेट खोलने का फॉर अ जीप, वो यहाँ पे रिटेन्ड है इसमें भी। अब अगर इसका ओवरऑल साइड देखोगे, यू विल नोटिस द फर्स्ट थिंग जो आप साइड में से नोटिस करोगे इज़ दैट कि इसकी स्टाइलिंग इज़ क्वाइट सिंपलिस्टिक। ये बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं दिया हुआ है, इट्स स्ट्रेट अप बॉक्सी लुक मेंटेन्ड है इसको, नॉट मच हैज़ बीन चेंज ऑन दैट फ्रंट। छोटे मोटे टचेज जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे स्टैलियन 150 लिखा हुआ है, एम स्टैलियन 150, दैट मीन्स दिस इज द पेट्रोल TDI, यानी कि टर्बो डायरेक्ट गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, ये पेट्रोल वर्जन गाड़ी है। ये आपका एंटेना है यहाँ पे, ओके, एंड ये जो थार की बैजिंग है इज एविडेंट ऑन द मिरर एज वेल। जो इसके डोर हैंडल्स हैं दे आर द सेम वे सिमिलर है, इसमें कुछ मेजर बदलाव नहीं आया। और जो रियर व्हील है दैट स्टिल कंटिन्यूज विद द 18 inch व्हील जो फ्रंट में देखा है, द सेम साइज 255/65 R18। ओके, लेट्स लुक एट दिस हार्ड टॉप, ओके, ये हार्ड टॉप वर्जन है, और सॉफ्ट टॉप बेसिकली यू गेट अ कन्वर्टेबल ऑप्शन ऑल्सो, वो भी मैं आपको एक क्लिप दिखा दूंगा जरूर उसकी, हाउ दैट पार्ट लुक्स एज वेल। सो जो इसका साइड का स्टाइलिंग है इज वेरी, आई एम रियली अमेज विद द स्टाइलिंग ऑफ द साइड, और रियर भी काफ़ी स्टैंड आउट करता है इसका। सो व्हेन यू लुक एट दिस एंटायर टेल पार्ट इस कार का, तो आप पहली चीज नोटिस करोगे टेल लैम्प्स का डिज़ाइन इज समवेयर सिमिलर टू, अगर मुझे इन वेरी शॉर्ट कहूँ तो जीप रेनेगेड, अगर आपको टेल लैम्प याद है तो वो थोड़ा छोटा था, बट इट हैड दैट सिमिलर स्टाइलिंग टू दिस। और ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग भी आ जाती है, प्लस यू गेट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एंड यू ऑल्सो गेट दिस रिफ्लेक्टर ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द कार प्रॉपरली इन वाइड ऑन द बैक। आप नोटिस करोगे कि इसका जो ओवरऑल स्टाइलिंग एट द बैक इज क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट टू ओवर द टॉप इन डिज़ाइन। यहाँ से आप बेसिकली अपना रूफ भी
खोल सकते हो. राइट नाउ इट्स अटैच. लेट मी शो यू द बूट स्पेस ऑल्सो. सो बूट ऐसे खुलता है इस गाड़ी का, एंड ये ऐसे खुल जाता है. एंड ये जो दिया हुआ है बूट स्पेस इज समथिंग लाइक दिस. इट्स नॉट लाइक अ लॉट ऑफ स्पेस इज ऑफर्ड फॉर द बैक सीट पैसेंजर, आई मीन फॉर बूट यूजेज. तो अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा ना, तो ये कुछ ऐसा फोल्ड होता है. और ये देख लीजिए, दिस इज वॉट यू हैव इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज. तो ये बैक सीट पे आपके पास स्टोरेज दी हुई है ऑन द कार. सो दिस इज वॉट यू कैन यूटिलाइज. इट्स अ फोर सीटर इटसेल्फ. इट्स नॉट पहले की तरह नहीं है अभी के साइड सीट्स मिल रहे हैं आपको ऑन दिस वर्जन. तो अब इन्होंने टू टाइप के वेरियंट्स ऑफर किए. वन इज AX, वन इज LX. सो LX इज मोर ऑन द लग्जरी पार्ट एंड AX इज मोर ऑन द ऑफ रोड पार्ट. यानी कि अगर आपको सिर्फ एक ऑफ रोड टाइप व्हीकल चाहिए जिसमें आपका फोकस इज प्योरली ऑफ रोडिंग एंड आपको नॉर्मल डेली यूज में नहीं चलानी है गाड़ी, देन इन दैट केस AX मेक्स मोर सेंस. तो उसमें ऑटोमेटिक्स नहीं मिलेंगे आपको, उसमें आपको 18 इंच के व्हील्स नहीं मिलेंगे, आपको 16 इंच के व्हील्स दिए जाएंगे. सो दोज आर फ्यू डिफरेंसेस. तो उसमें फीचर्स कम आएंगे एंड फोकस ज़्यादा किया जाएगा टूवर्ड्स बींग अ मोर हार्ड कोर ऑफ रोडर रादर देन अ लाइफ स्टाइल व्हीकल. तो अब ये गाड़ी के अंदर जाके आपको बताते हैं क्या क्या स्पेस दी हुई है एंड क्या फीचर्स दिए हुए हैं फॉर द पैसेंजर्स. अगर आप इसका इंटीरियर देखते हो, यहाँ पे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन पहले से कम्प्लीटली चेंज हो चुका है. इट डज़ नॉट रिजेंबल द ओल्ड कार बाय एनी चांस. मटेरियल्स की क्वालिटी इज़ डिसेंट. इट्स नॉट वेरी हाई प्रीमियम. अच्छे खासे हैं मटेरियल्स, बट नॉट लाइक वाव. ओके, सो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसको टच स्क्रीन सिस्टम अब आ गया है. पहले थार में टच स्क्रीन छोड़ो, आपको AC मिल जाए बड़ी बात थी, पर अब इसको टच स्क्रीन मिलता है विथ वट एवर यू वॉन्ट द फीचर्स टू कनेक्ट योर कार टू इट. साथ में इसमें आपके पास AC कंट्रोल से क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है. एंड काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि इसमें दो गियर बॉक्स क्यों हैं. सो द फर्स्ट गियर बॉक्स इज ऑफकोर्स द ऑटोमेटिक जो यहाँ पे है, एंड सेकेंड इज योर लो रेंज हाई रेंज प्लस साथ में आपका टू व्हील हाई का. आपको तीन ऑप्शंस यहाँ होते हैं जो आप ऑपरेट कर सकते हो. तो अगर आपको एक शॉर्ट में मैं बता दूँ क्या होता है ये, बेसिकली मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हो एंड यू वांट दैट हाई अप चढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टॉर्च चाहिए, सो यू पुट इट इन लो फोर लो एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट पुलिंग इट. ओके, सो दूसरे एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल रहा है इसमें. स्टीयरिंग व्हील बेसिकली वही है जो TUV 300 में ऑलरेडी आता है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इज ऑल्सो ऑल न्यू यहाँ पे. आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड. और इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, वेन यू लुक एट इट, लेट मी जस्ट ट्राई एंड सी हाउ डज इट वर्क. ओके, तो ये यहाँ से ऑपरेट होता है. इसमें ट्रिप मिलता है, आपके पास टाइम है, ट्रिप भी आता है. एंड देन इफ आई मूव इनटू द अदर बिट्स, तो यहाँ पे आपके पास फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता है, आपका स्पीड दिखाता है डिजिटली, साथ में आपका बताता है कि आपकी गाड़ी क्या एक्सेल पे कैसे चल रही है. तो ये एक और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको यहाँ पे भी आएगा. साथ में आपको टायर ट्रॉनिक्स भी है जो बताता है आपका टायर प्रेशर सही है या नहीं. तो ये सिर्फ ओके बता रहा है, इट्स नॉट शोइंग द एग्जैक्ट टायर टेम्परेचर प्रेशर राइट नाउ. ओके, सो यू कैन ईजिली स्विच इट ऑफ, सीम्स टू बी गुड इनफ. इसकी क्वालिटी फेयर इनफ, नो कंप्लेंट्स एट ऑल यहाँ पे. और ये अगर मैं इसको एडवेंचर पे डालूँ तो ये यहाँ पे बताता है कि गाड़ी की क्या स्पीड है, और अगर मैं ऑफ रोड पे जाऊँ तो ऑफ रोड मोड बताता है कि गाड़ी का क्या एंगल है, क्या एक्सिस पे चल रही है, कौन से मोड में चल रही है. सो ये सारे स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें एक और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसको स्पीकर्स ऊपर भी मिलते हैं ऑन द कार. तो आपको नॉर्मली आगे दो स्पीकर्स हैं, एक यहाँ पे, एक वो साइड, और ऊपर की तरफ तीन स्पीकर्स और दिए हुए इन दिस. तो पीछे की तरफ स्पीकर्स नहीं दिए हुए, यू गेट द स्पीकर्स ऑन द टॉप ऑफ द कार. हाँ, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आपके लिए कवर करना चाहता हूँ इज प्रैक्टिकलिटी. इसका ग्लव बॉक्स इज वे स्मॉलर देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, वे स्मॉल. स्टोरेज स्पेस इज प्रैक्टिकल है गाड़ी में, एंड व्हाट आई लाइक इज द सीट क्वालिटी इज बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. मतलब ये गाड़ी प्रीमियम फील हो रही है फॉर श्योर. बैक सीट पे बैठ के देखा नहीं है मैंने अभी तक, पर फ्रंट सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है. और अगर मुझे विजिबिलिटी की बात करें, जस्ट लुक एट द व्यू, यू कैन क्लियरली सी द होल बॉनेट का एज दोनों साइड, एंड आई डोंट सी अ प्रॉब्लम टू ड्राइव इट. अब गाड़ी तो जल्दी चलाने वाला हूँ, सो आई एम गोना टेल यू हाउ इट इज़ टू ड्राइव एज वेल. अब जाते हैं ऑन द बैक सीट टू टेल यू व्हाट इज स्पेस फॉर योर पैसेंजर्स. तो यहाँ से सीट फोल्ड किए मैंने. अब अंदर जाने के लिए अगर हाइट ज़्यादा है और ओपन टॉप नहीं है तो घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर अ पैसेंजर. और देखिए, नी रूम में दिक्कत नहीं आएगी. नी रूम डिसेंट है, जस्ट इतना है, नॉट अ लॉट.
पर हेडरूम हाँ डेफिनेटली थोड़ा टाइट रहेगा, दो लोग बैठ सकते हैं पीछे, कुछ कप होल्डर वो सब नहीं है किसी बंदे को। वहाँ पर दोनों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट ज़रूर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी बंदे को। इससे पहले कि मैं ड्राइव करूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, अब जो ये फुल सेटअप है खोलते हो, यहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग ब्रेक लाइट है, तो मान लीजिए अगर आप कुछ उठाने जाते हैं, देर इज़ अ चांस यू माइट हिट योर हेड ऑन टू दिस। तो ये एक एलिमेंट है, आई विश वो इस पे स्टक होता तो ज़्यादा बेहतर होता। नाउ लेट्स गेट इन टू द कार एंड लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग इट। आई होप मैं यही कलर की गाड़ी चलाऊँ। अभी जब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, वी आर ड्राइविंग इट आउट ऑन द ओपन रोड। पहली चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है, बट द वन पॉइंट दैट आई हाईलाइट के इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी स्टिफ है, यानी कि मैं काफ़ी हद तक मैं थोड़ा झूल रहा हूँ ज़्यादा यहाँ पे वाइल ड्राइविंग द कार। तो ये एक कैरेक्टर इस गाड़ी का इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, इसके फेवर में नहीं जा रहा है। ओवरऑल जो गाड़ी की कंफर्ट है इज गुड, लाइक मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, देयर इज इनफ टॉर्क इन इट। तो इसमें बेसिकली दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक आता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक आता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। जो 2.2 लीटर डीजल इंजन है वो 130 bhp के साथ आता है, दैट कम्स विद 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और दोनों में पेट्रोल डीजल में दोनों में आपको ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है 6-speed का। सो ड्राइवेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है। देखिए ऑफ रोड गाड़ी है, ऑन रोड पे चलाएंगे तो आपको टॉर्क हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो वो एक चीज़ अच्छा है। पर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, डिसेंट है, मतलब वैसे मैं नॉर्मल रोड पे चल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी यू नो इट्स फीलिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल टू ड्राइव। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है इसका, आई फील के आई मीन देखो मैं स्टीयरिंग हिला रहा हूँ, नॉट इवन मूविंग एनी वे, सो स्टीयरिंग में प्ले काफ़ी है इसके। और साथ में एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन बैंग ऑन, नो प्रॉब्लम विथ इट। राइड क्वालिटी कुड बी बेटर, आई एम श्योर पीछे बैठने वाले पैसेंजर की राइड क्वालिटी वुड बी इवन मोर अफेक्टेड। हैंडलिंग तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं शहर में चलाने वाला हूँ, बट समवेयर आई फील कि जो पुरानी थार थी उससे इम्प्रूवमेंट आया है इसमें, बट स्टिल इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अब क्योंकि एक बहुत छोटी ड्राइव है, आई कैनॉट रियली गॉडन से इसकी माइलेज क्या होने वाली है, बट आई कैन डेफिनेटली से कि नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में जो इंजन नॉइज पहले आता था, आई मीन जो पुरानी थार थी उसमें कुछ ना कुछ रैटल हर बार होते रहता था, सो वी हैव नेवर बीन एबल टू डू अ प्रॉपर टॉक इनसाइड द कार क्योंकि हर बार इतनी नॉइज आती है। सो इस बार वो सिचुएशन मैंने फेस नहीं की है। ब्रेकिंग इसकी ठीक है, आई मीन इट फील्स अ लिटिल स्पॉन्जी फॉर श्योर, बट आई विल इट कुड हैव बीन बेटर। जो विजिबिलिटी है गाड़ी ऑफर करती है वो काफ़ी अच्छी है, आपको मिरर्स की साइज भी काफ़ी बड़ी, और आपको ये गाड़ी में एयरबैग ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, विच आई फील इज फैंटास्टिक। मतलब अगर आप ऑफ रोड जा रहे हो एंड यू वांट टू गेट दैट स्विच्ड ऑफ, सो इट जस्ट अ फैंटास्टिक चॉइस टू डू। सो ओवरऑल आई लाइक द कार, ये पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। आई वांट टू ड्राइव द ऑटोमेटिक, पर हाँ इसकी राइड क्वालिटी कुड बी बेटर। हैंडलिंग तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस कार टू मच, बट जो सिटी में चलाने के लिए आपको वो थार चाहिए ना बैठ कर चलाने के लिए, वो आपको इसमें पक्का मिलेगा। और जो विजिबिलिटी की बात करते हैं ना, बॉनेट का एज दिखता है वो पूरा दिखेगा आपको, तो वो सब मामलों में गाड़ी ज़बरदस्त है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और अगर आपको एक पर्सनल कार यूज़ करनी है ऑन अ डेली बेसिस, आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई यू शुड नॉट कंसिडर द थार। अभी मैंने 80 की स्पीड ऑलमोस्ट टच की एंड जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और स्टीयरिंग पे भी मुझे ये देखो स्टीयरिंग पे भी काफ़ी वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। आप मेरी आवाज़ सुनिए कैसे आ रही है, यू कैन रियलाइज़ के वो बाउंस होने की वजह से मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है इसमें। सो डेफिनेट ये देखिए आप स्टीयरिंग देख रहे हैं कितना शेक आ रहा है इसमें। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे थार में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पहले से बेटर है पर इट्स स्टिल नॉट एट पार जो आप एक्सपेक्ट करोगे ऑन अ 10-12 lakh रुपी कार एट द एंड ऑफ द डे। सो अब बारी है वर्डिक्ट की और इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, सो लेट्स हेड ऑन टू द वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहला, अगर आपको फ्यूल टैंक खोलना है सो यू हैव टू गो एंड ओपन इट, चाबी से ही खुलेगा ये, कोई और तरीका नहीं है इसको खोलने का। सेकंड, आपको मैं एक बहुत कूल चीज़ दिखाता हूँ वर्डिक्ट का। अगर आप इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी का, एक यहाँ पे थार की बैजिंग है एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा थार का सॉर्ट ऑफ यू नो
एक एम्बॉस्ड लुक दिया हुआ है जो इसे बहुत कूल बना देता है। तो देखिए वर्डिक्ट की बारी सिंपल है, अगर इस गाड़ी की प्राइस आपको जाननी है तो वो आएगी फ्रॉम 2nd October। एंड ओवरऑल अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, फीचर्स की बात करूँ, एवरीथिंग इफ आई कवर हियर, इस गाड़ी में कुछ मिसिंग नहीं है एंड इट सीम्स टू बी अ ग्रेट प्रोडक्ट। प्राइजिंग ही डिसाइड कर पाएगी इफ इट्स अ वैल्यू फॉर मनी एंड ओपर। इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल ये एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन जाता है। हाँ, देर आर मोर कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट, जैसे जिमनी आने वाली है, आई डोंट नो व्हेन, बट दैट्स वन मोर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आने वाला है। ऑल इन ऑल एक बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आया गाड़ी में। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इट लुक्स सिमिलर टू द रैंगलर, जो मैं डिनाई नहीं करूँगा, एंड या सीम्स टू बी गुड। अब प्राइस ही डिसाइड कर पाएगी इफ इट्स वर्थ इट और नो। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मुझे बताइए, डिड यू लाइक द कार और नो, एंड हाउ वॉज योर इंडिपेंडेंस डे? डू पुट इन योर कॉमेंट्स। इतना वीडियो देखा, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइज। कुछ भी सवाल हो प्लीज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, सी यू टुमारो।